हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब आप कैपेसिटर्स को किस तरह से कंबाइन करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कैपेसिटर को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है या फिर अरेंज किया जाता है। पहला कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम इन दोनों कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कुछ फॉर्मूले भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। बहुत से बच्चों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। तो आज हम सीरीज और पैरेलल को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए मैं यहां पर तीन कैपेसिटर ले रहा हूं। तो ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है और ये थर्ड कैपेसिटर है। मैंने इन तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को क्या मान लिया है, C1, C2, C3। ये तीन कैपेसिटर है और C1, C2, C3 उनके कैपेसिटेंस है और इन कैपेसिटर्स को आपने कनेक्ट कर दिया है किससे, आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। किससे कनेक्ट किया है बच्चों, बैटरी से। तो बैटरी में प्लस और माइनस है और यहाँ पर दिखाने के लिए एक स्विच भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक स्विच भी लगा दिया है। तो बैटरी को हम बी से डिनोट कर देते हैं या फिर कहें इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है, कैपिटल वी है। तो चलिए बच्चों, हम इसकी एक टिप, मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा कि सीरीज कैपेसिटर आखिर होता क्या है। तो मैं यहाँ पर टिप्स करके हेडिंग डाल दूँ। सीरीज कैपेसिटर की फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टिप क्या है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टिप जो है ये है कि कभी आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो C1, C2, C3 में चार्ज जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, चार्ज कांस्टेंट कहें या फिर चार्ज क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। ये फर्स्ट टिप है, ये याद रख लें, पहले याद रख लें, मैं आपको सिखा दूंगा सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो इन तीनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। और दूसरा जो है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। दूसरी टिप जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंट होगा। मैं इसको अब डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, बस इन दोनों पॉइंट को आप याद कर लें। फर्स्ट टिप क्या दी है मैंने कि चार्ज सेम होता है और दूसरी चीज़ मैंने क्या कही है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये बैटरी है और इस बैटरी से तीन कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C1, C2, C3 और बता दूँ इन कैपेसिटर के बीच में एयर भरी हुई है। क्या है बच्चों, ये एयर है, ये एयर भरी हुई है। तो अब देखिए क्या होगा, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, हाँ ना, करंट कहें या फिर चार्ज कहें, बात एक ही है। तो मान लीजिए यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुए, कौन से चार्ज जा रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, हाँ है ना। ये लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ, कभी किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन नज़र आ रहा है, उस आई बटन को क्लिक करें और क्लिक करने पर आपको पुरानी वीडियो कैपेसिटर की मिल जाएगी। तो बच्चों, जैसे ही आपने प्लग ऑन या तो पॉजिटिव क्यू चार्ज किसके पास जाएंगे, प्लस के पास। और बच्चों मैंने बताया था ये सेकंड प्लेट जो होती है वो न्यूट्रल होती है, हाँ है ना। न्यूट्रल का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे, हाँ है ना। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। और बच्चों ये जो साइड की जो प्लेट है, इस प्लेट की जो राइट साइड है उसे हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर अर्थ करने के बाद यहां पर फिर से क्या क्रिएट होंगे, इस जगह पर नेगेटिव चार्ज। देखिए अर्थ करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं। देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए और पड़ोस वाली प्लेट पर क्या डेवलप होंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, है ना। मैं इसे बना नहीं रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, दिमाग में रख लें, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए। तो बच्चों यहाँ पर कौन से चार्ज डेवलप होंगे, यहाँ पर कौन से चार्ज डेवलप होंगे, नेगेटिव होंगे। और नेगेटिव के बाद यहाँ पर फिर से क्या क्रिएट होंगे बच्चों, यहाँ पर क्रिएट होंगे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर फिर से बताओ क्या क्रिएट होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या बच्चों, देखिए कहानी वही चली जा रही है,
यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव के कारण यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज, और फिर से यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, हाँ है ना, और पॉजिटिव के बाद फिर से यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे, नेगेटिव चार्ज। अब क्या किया है, जो इस साइड की पॉजिटिव चार्ज थे, इन सारे पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या कर दिया बच्चों, अर्थ कर दिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे चार्ज कौन से डेवलप हो रहे आगे जाके, तो आपसे कहूँगा कि यहाँ पर तीनों में चार्ज कितने हैं, क्यू चार्ज ही है, हाँ है ना, यहाँ पर टोटल चार्ज कितने हैं, क्यू चार्ज है, पर सबके अक्रॉस क्या अलग होगा बच्चों, पोटेंशियल, सबके पास पोटेंशियल जो होगा वो अलग अलग डेवलप होगा, सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। सर आप कहेंगे पोटेंशियल क्यों अलग होगा, क्योंकि इन सबका कैपेसिटेंस अलग है, कैपेसिटेंस अलग है तो पोटेंशियल अलग होगा। तो बच्चों शायद से आपको ये बात क्लियर हुई है, मान लीजिए ये बात क्लियर नहीं हुई है तो मैं आपको एक नया एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये, कितने रुपए हैं बच्चों, 100 रुपए, इस 100 रुपए को मैं प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे। अब मान लीजिए मैंने 100 रुपए को किसी को उधार दिए, दूसरे आदमी को उधार दिए, तो उसके पास कितने रुपए क्रिएट, उसके पास कितने आ गए, उसके पास आ गए -100। क्यों -100, क्योंकि उसने उधार लिए, मैं देने को प्लस मान रहा हूँ और उधार लेने को क्या मान रहा हूँ, -100। अब उसने क्या किया, पड़ोस वाले एक और आदमी को क्या किए, 100 रुपए दे दिए, ये वाले 100 रुपए इसे दे दिए, हाँ है ना, ये 100 रुपये दिए, तो बताओ इस आदमी के पास कितने रुपए क्रिएट हुए, तो जवाब है 0। क्यों 0, क्योंकि इसने जो 100 रुपये दिए थे इसने तो उधार लिए, और उधार लेने के बाद इसने पड़ोस वाले आदमी को दे दिए। अब अपन कभी पड़ोस वाले आदमी की बात करें तो पड़ोस वाले आदमी ने उधार लिए, हाँ है ना, पड़ोस वाले आदमी ने उधार लिए हैं, और उधार लेने के बाद उसने उसके पड़ोस वाले आदमी को क्या कर दिए हैं, 100 रुपये दे दिए, देने को मैं प्लस ले रहा हूँ और उधार लेने को मैं माइनस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वही हो रहा है, इसके पास सबसे पहले 100 रुपये थे, इसने पड़ोस वाले को कितने दे दिए, 100 रुपये, तो -100 हो गए, हाँ है ना, ये -100 हो गए, ये वाले -100, और इसके दूसरी प्लेट पर क्या क्रिएट हो गए बच्चों, +100, हाँ है ना। अब इस +100 के कारण यहाँ पर क्या क्रिएट हुए, -100, फिर +100, फिर -100, फिर +100, फिर -100, फिर +100, फिर -100, फिर +100, इन सारे को हमने क्या कर दिया, सारे जो चार्ज यहाँ पर डेवलप हुए थे उन्हें क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, हाँ है ना। इसका मतलब ये है जो भी रुपए की बात चल रही है वो 100 रुपए की बात चल रही है, क्योंकि मेरे दिए हुए 100 रुपए ही आगे बढ़ रहे हैं, हाँ है ना, मेरे दिए हुए 100 रुपये आगे बढ़ रहे हैं, मतलब यही 100 रुपये आगे 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 ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसका मतलब चार्ज यहाँ पर क्या है बच्चों, सेम है, और पोटेंशियल क्या है बच्चों, डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने अभी आपको एक टिप बताई थी, क्या टिप थी बच्चों, टिप ये थी कि चार्ज सेम होगा तो जवाब देख लीजिए चार्ज सेम है, और क्या अलग होगा तो पोटेंशियल अलग होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। बच्चों बता सकते हो फर्स्ट कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो आप कहेंगे फर्स्ट कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है, क्यों, और क्यू इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, याद होगा क्यू इक्वल्स टू होता है CV, आपको ये बात याद होगी, तो क्यू इक्वल्स टू बोलो क्या हो जाएगा, C1V1 क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल कितना है बच्चों, V1 है। हम यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि कितनी आएगी बच्चों, Q/C1। सिमिलरली बच्चों कभी आपसे कोई पूछे सिमिलरली चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर तो Q इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, C2V2, और यहाँ से हम V2 निकालें तो क्या हो जाएगा, Q/C2, हाँ है ना। सिमिलरली कभी हम थर्ड कैपेसिटर के लिए निकालें तो थर्ड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, Q/C3, एंड क्या होते जाएगा, सोन। पर आप कभी देखें ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है V1, V2, V3 आखिर किसकी वजह से पैदा हुआ है, इस बैटरी की वजह से। इसका मतलब V1, V2, V3 का सम जो होगा किसके इक्वल होगा, V के, तो बट V किसके इक्वल होगा बच्चों, V1 + V2 + V3 के, ये बात आपको समझ आई होगी। V क्या है अभी बाद में चर्चा करेंगे, V1 कितना है पहले देखते हैं, तो V1 जो है वो है Q/C1, V2 कितना है बच्चों Q/C2, और V3 कितना है Q/C3, और सर V क्या है, तो V जो है वो है क्या बच्चों, टोटल पोटेंशियल, हाँ है ना,
टोटल पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू। सर ये क्यू क्या है, क्यू क्या है, टोटल चार्ज। यही चार्ज तो आगे जाके बढ़ रहे हैं, कोई नए चार्ज तो आए नहीं। और क्यू बाई ये टोटल है, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, टोटल, जिसे मैं क्या नाम देता हूँ, सी इक्विवेलेंट। क्या नाम देता हूँ बच्चों, सी इक्विवेलेंट। कभी आप यहाँ से क्यू कॉमन लें, तो Q C equivalent equals to Q common लिया, तो बच्चों बताओ क्या बनेगा, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। मैं यहाँ से Q को cancel कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे एक formula मिलेगा, 1 upon C equivalent equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 प्लस वन अपॉन सी थ्री। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं, कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा, रेसिप्रोकल्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। आपको इंग्लिश समझ में आई होगी, और इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि मान लीजिए सी वन सी टू सी थ्री सीरीज़ में कनेक्टेड है और आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल्स करना है, और रेसिप्रोकल करने के बाद ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। तो बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो इस फॉर्मूले को आप जल्दी से क्या कर लें बच्चों, नोट डाउन कर लें। पर हमें जनरली दो कैपेसिटर को सीरीज में निकालने का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं जल्दी से। तो यहां पर मैं इसे रफ कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ किसके लिए निकाल रहा हूँ, दो कैपेसिटर के लिए। किसके लिए निकाल रहा हूँ बच्चों, दो कैपेसिटर के लिए। तो मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, क्यों फॉर्मूला क्यों डिराइव कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, ये तो हमने जनरल फॉर्मूला दे दिया तीन कैपेसिटर का, चार का, पाँच का, छः का, पर जनरली आप कभी न्यूमेरिकल्स देखें, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए हमें तीन कैपेसिटर की जगह दो कैपेसिटर का ज़्यादा यूज़ आता है, तो हम दो कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, कभी दो कैपेसिटर हों, कितने कैपेसिटर हों, टू कैपेसिटर हों, जिनका कैपेसिटेंस क्या हो बच्चों, सी वन सी टू, तो बच्चों बताओ सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1 upon C1 प्लस 1 upon C2। ठीक है, तो बच्चों कभी हम इनका एलसीएम ले, तो बताओ क्या आएगा, C1 C2, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, C1 plus C2। ठीक है, अब बच्चों मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होके क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C1 C2 अपॉन में C1 plus C2। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, C1 C2 अपॉन में C1 plus C2। इसे याद कर ले, C1 C2 अपॉन में C1 plus C2। मैं इसका एक न्यूमेरिकल करता हूँ, और न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। मान लीजिए तीन कैपेसिटर हैं, 1, 2 और 3, ये तीन कैपेसिटर हैं, और इनकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितनी, 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, और क्या बच्चों, 6 माइक्रोफेराड। और आपको इनका इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो, बताएं सीरीज का क्या होता है, 1 upon C1, 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। मैं माइक्रो को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सभी माइक्रो में है, तो आंसर भी माइक्रो में ही आएगा। तो कभी मैं इसका एलसीएम लूँ, तो बेटा 2, 3, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। कभी हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या आएगा बच्चों, 6 by 6 मतलब 1। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर एक यही गलती होती है, क्या गलती होती है कि बच्चे जो है यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सी इक्विवेलेंट का आंसर नहीं है, ये सी इक्विवेलेंट का आंसर नहीं है। किसका आंसर है, रेसिप्रोकल ऑफ सी इक्विवेलेंट। मतलब आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस वन को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, और वन का रेसिप्रोकल माना कि वन ही होता है, पर फिलहाल ही बताने की चीज़ थी, तो 1 माइक्रोफेराड। ये बात आपको समझ आ गई होगी। कभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन लें, और दूसरे क्वेश्चन में एक ले लें 5 माइक्रोफेराड, दूसरा लूँ मैं 6 माइक्रोफेराड, और बस 2 का करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए कभी आपको दो कैपेसिटर दिए हुए हैं और उनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो अभी आप बच्चों फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से ये वाला फॉर्मूला लगा दें जो हमें याद होना चाहिए। बच्चों बताओ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C1 C2
अपॉन में सी वन प्लस सी टू। ऐसा करने से फ़ायदा ये है कि हमें एलसीएम लेने के झंझट से मुक्ति मिलेगी, दो चीज़ से मुक्ति मिलेगी, एक तो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा और दूसरा रेसिप्रोकल पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है जो जिसमें हमने ऑलरेडी रेसिप्रोकल कर दिया है। तो आप डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगा दें बच्चों, सी वन इंटू सी टू मतलब फाइव सिक्स अपॉन में फाइव प्लस सिक्स, बताओ क्या आंसर आएगा, 30/11 माइक्रोफेराड। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आपको रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको सीरीज कैपेसिटर समझ में आया होगा और उसका फॉर्मूला भी आया होगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक बार फॉर्मूला देख लें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/C eq = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + so on, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा, हम ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अभी फ़िलहाल से फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया था। तो अब आपको मैं करवाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों आप जब तक इसे नोट डाउन कर लें, जल्दी से लिख लें, लिख लीजिए, चलिए बच्चों अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा और उसका फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर मैं तीन कैपेसिटर बना रहा हूँ, तीन कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकेंड कैपेसिटर है और ये जो है वो थर्ड कैपेसिटर मैंने बनाया है और इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में। किस में कनेक्ट किया है बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और इसे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने कनेक्ट किया है बैटरी से और एक स्विच भी लगा दिया है। क्या लगा दिया है बच्चों, स्विच भी लगा दिया है। तो यहाँ पर बैटरी का प्लस है और ये माइनस है और बैटरी का पोटेंशियल कितना ले लिया आपने, वी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने तीन कैपेसिटर लिया है, तो फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है और थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने कितना ले लिया, C3 लिया। तो यहाँ पर मैं एक टिप बताना चाहूँगा, यहाँ पर टिप्स क्या है, याद करने की टिप्स क्या है। तो सबसे पहली टिप्स ये है कि इस बार जो होगा सीरीज़ का जस्ट उल्टा होगा। याद कीजिए सीरीज़ में चार्ज सेम थे, तो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर उल्टा ये होगा कि इस बार चार्ज जो होंगे हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट होंगे और दूसरा यहाँ पर पोटेंशियल सारे कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होगा। क्यों होगा मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो आप तो टिप्स याद कर लें, टिप्स क्या है, चार्ज डिफरेंट होगा और पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो मैं इसको एक बार समझाता हूँ, देखिए ये तीन कैपेसिटर है और उसको कनेक्ट किससे किया है आपने, बैटरी से, जिसका पोटेंशियल कितना है वी। मान लीजिए आपने स्विच को क्या किया बच्चों, ऑन। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट कहें या फिर क्या कहें बच्चों, चार्ज। यहाँ से क्या फ्लो होने लगा बच्चों, चार्ज फ्लो होने लगे। अभी चार्ज फ्लो होने लगे तो देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज जाएगा, ये चार्ज तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, चार्ज जो होगा वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर में Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, सेकंड में Q2 और थर्ड में कितना बच्चों, Q3। अब आप कहेंगे सर चार्ज चेंज क्यों हो गए, तो मैं इसके लिए आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक नल की पाइपलाइन है जिसमें से कितना पानी फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कभी यहाँ से 100 लीटर पानी जा रहा है, कितना 100 लीटर पानी जा रहा है। तो बच्चों बताओ 100 लीटर पानी एक पाइप से जा रहा है, अब ये पाइप जो है आगे जाके तीन पाइप से कनेक्टेड है, तो बताओ इन तीनों पाइप से कितना पानी जाएगा। तो आप कहेंगे सर तीनों में डिवाइड हो जाएगा, पर क्या तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, जवाब नहीं, तीनों में अलग अलग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका साइज़ जो है ज़्यादा है, इसका कम है और इसका सबसे ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो पानी जाएगा वो कितना जाएगा, Q1 जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, Q2 जाएगा और यहाँ पर Q3 जाएगा, पर जितना भी जाएगा कभी हम इन तीनों का सम करेंगे तो टोटल मिलाकर कितना आएगा, 100 लीटर। हाँ है ना, मैं ये नहीं
बोल सकता कि यहाँ पर तीनों में इक्वल जाएगा। इक्वल तब जाएगा जब तीनों का कैपेसिटेंस सेम हो। अभी यहाँ पर तीनों का साइज अलग अलग है तो चार्ज भी क्या होंगे, अलग अलग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कितने गए, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पर चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और सबके अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल जो होगा C1 के अक्रॉस भी सेम होगा, C2 के अक्रॉस भी सेम होगा और C3 के अक्रॉस भी सेम होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये टिप याद कर लें। टिप्स क्या याद कर लें, चार्ज डिफरेंट होगा, चार्ज क्या होगा बच्चों डिफरेंट। और याद ना आए तो मेरे पाइपलाइन वाला एग्जांपल याद रख लेना, हाँ है ना। तो चार्ज डिफरेंट होंगे और पोटेंशियल क्या होगा सेम। बच्चों सीरीज में जस्ट उल्टा था, सीरीज में चार्ज सेम थे और पोटेंशियल डिफरेंट था, पर पैरेलल में चार्ज जो है वो डिफरेंट है और पोटेंशियल सेम। हाँ बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये समझने में, पर आपको समझ आ गया तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट कैपेसिटर में चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। बच्चों बता सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर Q1 इक्वल्स टू CV, याद होगा Q इक्वल्स टू CV। तो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1 नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम है, तो Q1 इक्वल्स टू C1V। सिमिलरली आप बता सकते हैं चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर क्या होगा, सेकेंड कैपेसिटर तो चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू CV। सर V2 क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ये V2 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम है। अब सिमिलरली चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर बच्चों बता सकते हो क्या होगा, तो Q3 इक्वल्स टू C3V। पर कभी आप ध्यान से देखें ये Q1, Q2, Q3 आया कहाँ से, तो आप कहेंगे Q1, Q2, Q3 की ये तीन बच्चे पैदा किससे हुए, तो किससे हुए, माँ से। और ये माँ कौन है, क्यों है, तो Q इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। सर ये Q1 क्या है, तो Q1 जो है वो C1V है, Q2 क्या है C2V है और Q3 क्या है बच्चों C3V। और सर ये क्यू क्या है, तो क्यू जो है टोटल चार्ज है, हाँ है ना। तो टोटल चार्ज है तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सीवी। पर सीवी जो होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस होगा इन तीनों का, जैसे मैं सी इक्विवेलेंट नाम दे देता हूँ और पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस सेम ही है, तो Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V। यहाँ से कभी मैं V कॉमन ले लूँ तो बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा, V से V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर है। तो ये आंसर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, किसका है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और कभी आपको सीरीज का निकालना हो तो सीरीज में भी एडिशन होता है, पर सीरीज में एडिशन रेसिप्रोकल्स में होता है, याद कीजिए। तो बच्चों हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए तीन कैपेसिटर हैं 1, 2 और 3। और ये तीन कैपेसिटर का आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। मान लीजिए ये वैल्यू जो है 5 माइक्रोफेराड है, ये 6 माइक्रोफेराड है और ये 2 माइक्रोफेराड है। तो बच्चों आप कहेंगे सर ये भी कोई न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सही, ये कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। न्यूमेरिकल वो होता है जिसमें दम हो, इसमें तो दम ही नहीं है। ये तीनों पैरेलल में हैं तो तीनों का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 6 प्लस 2 तो आंसर इज 13 माइक्रोफेराड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप कैपेसिटर को किस में कनेक्ट करना चाहेंगे बच्चों, पैरेलल में। किस में कनेक्ट करना चाहेंगे, पैरेलल में। और कभी आपको कैपेसिटेंस की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम करनी है, कम भी इंडस्ट्रियल लेवल पे कम भी कैपेसिटेंस करने की ज़रूरत होती है, तो हमें जब कैपेसिटेंस को कम करना है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को कम करनी है, तो हम पैरेलल नहीं यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सीरीज़ में कैपेसिटेंस कम होता है और वही पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ के 5 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 2 13 माइक्रोफेराड हो गया। तो बच्चों आपको सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आया होगा।
आपको इसका डेरिवेशन समझ आया होगा और इसका फॉर्मूला भी समझ आया होगा। हम इस लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, अगले लेक्चर में हम कैपेसिटेंस के ढेरों न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और इतने अजीब अजीब न्यूमेरिकल करेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ, आपने ऐसे न्यूमेरिकल क्लास टेंथ में किए हुए हैं, पर क्लास टेंथ में रजिस्टेंस हुआ करता था और रजिस्टेंस के फॉर्मूले कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के जस्ट उल्टे हैं, ये आपको याद आ गया होगा जब मैंने डिराइव किया था। तो बच्चों, हम इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे करने वाले हैं और ढेरों न्यूमेरिकल करेंगे, मज़ा आ जाएगा, हम अगले लेक्चर में ऐसे करेंगे। तो जब तक के लिए आज मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूंगा और आपसे कहूंगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। कभी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज मैं यहीं पर विदा लूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।